शब्द की विचार आरंभ करने तो पहला एक निम्रता सहित बेनती है प्रबंधक वीर कि जोड़े बच्चे बाहर दौड़ रहे हैं इधर उधर शोर पा रहे हैं उन्होंने जो बड़े प्यार टका दे बिठाइए कि उन्होंने आवाज़ अंदर आ रही है क्योंकि सत्संग तो एक मेला तो है नहीं भी मेले में इंज हों भी अंदर ढाडी गा रहे होंगे ने बहर जलेबियां विक रही होंदिया ने खा पी के असं अपने घर आ जाने एक गुरमुख समागम है जिथे तुसी अपना कीमती समा कढ़ के सतगुरु जी की गोद में जुड़ के बैठे हो तो जे आप घर तो आ ही गए हैं तो एक बेनती है ना बच्चों जोड़े सियाने बच्चे ने उते आप भी सुनते हो गए जोड़े बिल्कुल जवाक ने न्याणे ने उन्होंने जोड़े बाहर सियाने बैठे उन्होंने बेनती बड़े प्यार टका बिठाने का यत्न करिए भावें कि मौसम काफ़ी गर्मी वाला है पर फिर भी आप सतगुरु जी की गोद में बैठ के इस समय को बतीत करना थोड़ा थोड़ा अगे हो जो अगे जगह है क्योंकि पिछे जी संगत जिनी कि बैठ सकती है ठीक है बाकी जी होर संगत आ रही हो बाहर बैठ जाएगी पर जिन्ना का आप इतने अंदर बैठ सकते हैं यत्न करिए थोड़ा थोड़ा जो आप अगे हो जाइए दो चार शरीर जोड़े होर आने वाले ने पिछे बैठ जाएंगे आस है कि आप बेनती भैन भी बेनती भैनों अगे जगह है तो जी होर संगत आ रही है जो नहीं जगह हैगी नमस्कार करने की तो बाद जो समाप्ति वेले आनंद साहब पढ़िया जाना उदों बाद समाप्ति वेले नमस्कार कर लेना इदा का कोई भरम करने की लोड़ नहीं जिते जगह मिलती बैठ जाओ आओ सतसंग जी शब्द की विचार आरंभ करने तो पहला कलगीधर पातशाह वालों बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाओ बुलंद आवाज में इक्के बार कहते गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस शब्द में सतगुरु महाराज ने जो कीमती विचार बख्शिश कीतिया ने सांझियां करने तो पहला एक बार सारी संगत शब्द दियां रहाओ वालियां तुकां नूं रल के पढ़िए ताकि साडा मन शब्द में भिज सके फिर आप विचार सांझे करदे आ रहाओ दा बंदे हम बारिक असी बच्चे हाँ तो पिता प्रभ दाता अकाल पुरख परमात्मा साडा पिता है दाता है तो किड़ी कीमती गल गुरु अर्जन साहब ने कही हम बारक पिता प्रभ दाता भूलें बारक अनक लख बरिया बच्चा अनेक गलतियां करता पर उस गलतियां करते बावजूद भी माँ बाप तो बिना उदा होर कोई आसरा नहीं हुंदा हे अकाल पुरख परमात्मा जी असी तुहाडे बच्चे हाँ तुसी साडे दाते हो तुसी साडे पिता हो हम बारक पिता प्रभ दाता भूलें बारक अनक लख बरिया अन्न ठौर नहीं अन्न दा ते होर कोई ठौर कहिंदे जगह नूं होर कोई जगह ही नहीं जिथे बच्चा अपने माँ बाप नूं छड के जा सके हे अकाल पुरख तुसी साडी माँ भी हो ते तुसी साडे पिता भी हो असी तुहाडे बच्चे आओ रल के सारी संगत एक बार इन्हां तुकां दा पाठ करो क्योंकि तुहाडी आवाज इस माइक में जा रही है ते इस करके जिथे भी संगत सरवण कर रही पता लगे भी इन्हें सिख बाणी पढ़ वाले गुरु की गोद में जुड़ के बैठे ने रल के सारी संगत पढ़ो हम बारिक पिता प्रभ दाता 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 अनठौर नहीं जह जाता अनठौर नहीं जह जाता किड़ी कीमती गल धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने की हम बारिक पिता प्रभ दाता हे अकाल पुरख जी असी तुहाडे बच्चे सतसंग जी एक बेनती है जो संगत में बहीए ना यह भी ध्यान रखी जाता भी कि मत्था टेकन आ गया तो कि मत्था टेक के चला गया
श्रोता जो संगत में बैठा हो ना उसका ध्यान केवल विचारों में होना चाहिए। जे साडा ध्यान यह चला गया भी किहड़ा मत्था टेक रहा किहड़ा किन्ने पैसे टेक रहा किहड़े ने पग किदां दी बंधी है किन्ने चुन्नी किदां दी लई है जे भैणा इक इह ते फिर श्रोते कहदे आ श्रोते का मतलब है भी जो विचारां हो रहियां इधर ध्यान कई बार साडा बुला रहा दा जोर लग जांदा इन्हां गल्लां ते भी दवाई रब दी जे आ गया कीमती समा कढ के ते सुरत गुरु के शब्द विच टिकाओ। मैं तीन गल्लां सांझियां करनियां ने साध संगत दे विचों विचों तुहानूं भी पुछणा है। शब्द आप पढ़िया धन गुरु अर्जन साहब का किन्ना है जी धन गुरु राग है मलार राग है अंक है 1266 किन्ना है जी तिने गल चेते रखनिया ने कथा करद्या करद विचों मैं पूछ सकता तो पता लगे भी ये गल आप याद है ने कि आप उदा ही बैठे हैं। शब्द कहता है जी भला राग कहड़ा जी हूँ आवाज घट गई वेख लो ना जो मैं बोली जाता उदो पता से हम आवाज घटती जा रही है। सानू गाने याद ने फिल्मों के टीवी सीरियल बारे सानू बहुत नॉलेज है कलाकार बारे सानू बड़ा पता है फिल्मों के हीरो अजे पंजाब नहीं आए होने पर उन्होंने नावों बारे भी पता पिंड दी माइया भी पता जो पिंड दी माइया ने ना वो भी यह कहती अच्छे फलाने हीरो की फिल्म आ रही है क्रिकेट के खिलाड़ियों बारे पता कलाकार बारे पता भला कि बारे नहीं पता जी सानू सतगुरु की बाणी बारे नहीं पता सर असी इस पक्षों बड़े अवेसले हाँ बहुत दूर जा चुके हैं ताइयों समाज अज दुखी है। अज समाज के दुखी होने का कारण असी सतगुरु जी की गोद में उठ के पासे जाके बैठ गए हाँ। धन गुरु अर्जन साहब जी कहते ने बच्चे मां थप्पड़ मारे बाप थप्पड़ मारे तो 10 मिनट बच्चा परां चल जाऊ पर बच्चे इस गल का पता भी जे थप्पड़ मां मार दी है ना मथा भी मां नहीं चुमना मथा भी जे बाप थप्पड़ मार दा ना प्यार भी बाप नहीं करना भला इतने बच्चा कौन है एक बार सारे कहो असी कौन है जी मां कौन है साडा गुरु अकाल पुरख इतने गुरु साहब कहते हैं हम बार एक असी तुहाडे बच्चे पिता प्रभ दाता पिता अकाल पुरख दाता भूले बालक अनक लख बरिया बच्चा भूल के अनेक गलतियां करता पर अन ठौर नहीं है कोई जगह होर कोई बच्चे वास्ते अन ठौर नहीं जह जाता शामा नू मां मार मार के कई बार गल्लां लाल कर दिंदी पर सौंदा रात नू फिर मां नाल ही है सौंदा फिर बाप दे नाल ही है प्यार फिर भी मां बाप दे कोलों ही मिलना उहनू पर इत्थे बच्चा की करता सिख बच्चा की करता जी भला अपने गुरु की गोच कित्थे जांदा जी भला अज वार की है भैणों भला मैनू तो याद नहीं की वार है भला उच्ची बोल के दसो भैणों कनेडा जी सिख संगत सुन रही है अमेरिका जी उच्ची बोल के दसो की वार है कादा दिन है भला अज बंदे वीर ने नहीं दसना भैन दसनगे अज दिन कादा भला उच्ची बोल के दसो कादा कादा दिन है भैनों दस दो सौखा जहा सवाल पाया मैं कोई सारे सवालों का जवाब असं थोड़ा देने थोड़े बहुत तुम भी दे दो ना शुरुआत आप इतों कर देने बाद भाई सुखविंदर सिंह ने सवालों के जवाब देने ने पहला सवाल मैं कर लेना अज दिन है वीरवार कि दिन है भला मनिया गया लोगों का इन्ने सगना रौनक लाइया थोड़े इलाके च उन्होंने तुम्हें तो ना याद होने चाहिए ने जो हुशियारपुर तुरे हो सू निशान साहब टावे टावे दिसे ने तो कबर के दर्शन सानू बथेरे हुए कि बाबा भोले शाह कि बाबा गोले शाह कि बाबा रोडे शाह कि बाबा भोडे शाह एक किन्ना ने बना मेरे ख्याल जिन्हें तुम बैठे थोड़े से कोई नहीं जाता होना क्यों जी अपने चो कोई नहीं दीवा जगाए जी कई जगाए होने आ सुने हूँ मैं कुछ गल्लां दसन लगा बाणी दियां गुरु अर्जन साहब जी कहते ने असी तुहाडे बच्चे ते रब जी अकाल पुरख जी तुसी साडे पिता बच्चे वास्ते गुरु पिता तो बिना दूजी जगह कोई नहीं आपां लभ ली ना आपां लभ ली ना आपां गुरुद्वारे जाण तो पहला वीरवार दीवा जगाए
मड़ी तो दीवा जगा हो सकता कई ये भी कह आए हो पहले जे सू माड़ा मोट जानते भी बाबा बख्श नहीं अब पापिया होना तेरे बारे बोलना उन्हें बड़ा ही हो सकता है कई कह आए हूँ बाबा हो सकता साढ़े बारे अरदास ही कर आए हूँ बाबा बख्श नहीं बेचारे न्याणे ने मैं कहना मैं गुरु की गोच कहना अपने पूरे होश हवा च कहना इन्हों के पले कख नहीं भरोसा रखो अपने गुरु से असं दिन रात सफर करते हैं प्रचार करते हैं आने से हुशियारपुर फिर वापस जाना कोई पीर साडा जागर रस्ता रोक ले भी मेरे बारे बोल के आए जी तुम इतने इतने धरना दो हाथ करने रोज तुरे फिरते हैं कभी जम्मू कभी कश्मीर और दूर दूर तक सारे प्रचारक बोलते हैं रोज गुरु की गोद में बह के कहता डर है जी सन माइया पता कहना लैं के बोल के चलना मज तो साड़ी नहीं मिलनी मुड़ के अच्छा ये भी यदा जवाब भी दे दें अब जिन्हें असी संगत में बैठे सारे के घर मझा है सारे खेतीबाड़ी करते हैं ना सा असी मझा की खीर लैके जाने ना असं किसी पीर को मानते हैं ना असं किसी फकीर को मानते हैं साडा इको ही है कहया सारे को एक बार गज के धन श्री गुरु बस विश्वास रखो गुर गुर जैसा ना ही को दे गुरु तो बिना किसी दूजे अगे सिर झुकाना ही नहीं सिर वड्या पाने जाए सिख का यह यकीन होना चाहिए सिख यह भरोसा होना चाहिए ध्यान ना सुनो भाई कान सिंह नाभा जी ने अकाली की परिभाषा दी है भाई कान सिंह नाभा जी ने अकाली की परिभाषा दी है और ध्यान ना सुनो कुछ गल् भाई कान सिंह नाभा जी की कहें कमल ज्यों माया जल बिच है अलेप सदा जिमें कमल फुल रहा पानी च पर अपने पत्तियां पानी चिकड़ तो बचा के रखता सब का स्नेही चाल सब तो निराली है प्यार सारिया ना करता सुगंधी सारिया ना दिंदा पर चाल वखरी है भी अपने पत्ते चिकड़ तो बचा के रखता कमल ज्यो माया जल बिच है अलेप सदा सब का स्नेही चाल सब तो निराली है करके कमाई खावे मंगना हराम जाने करके कमाई खावे सिख कौन है भला जी जिहड़ा अपनी किरत करे खांदा ते मंगना ते अज तुहानू किन्ने सिख मंगते नजर आउणगे जी जिहड़े खवा भी सिख रहे ने ते की गल ने भला मंग रहे ने मंगते बन के तुरे फिरदे ने पिछे एक सिक्का फिल्म आई है निकी जी है दो चार पांच क मिनट की है साडी भी पति पत्नी जा रहे ने पग बधी पति ने सिर ते एक मंगता आया तो उन्हें अपनी कार का सीसा थले किया तो पत्नी पति का परस चुके ना परस चुके क्योंकि सारे सानू सारे तो अजकल इदा की मूवी वेखन का साढ़े को समा नहीं उदा भावें असी जिन्हें मर्जी सीरियल वेख रही है वह सिक्का फिल्म निकी जो बड़ा सुनेहा वधिया दिता भी पत्नी ने पति का परस चुकया कार के तो जो सीसा ठा किया तो एक बच्चा बाहर मंगता भीख मंग रहा और वो कद के ना रुपया सिक्का पत्नी तो दे लगी भिखारी पति कहता नहीं ये रहन दे दस रुपये लग गए पैसे वो दे दिए जो दस रुपये दे दिए तो पत्नी अगे जाके सवाल कर दी पति से भी जो अपने तुहाडे परस में एक रुपया सिक्का है दस रुपये क्यों ये क्यों ना दे दिता तो उस नौजवान ने गल बड़ी प्यारी की कहता यह सिक्का कभी किसी को नहीं देना यह बहुत सोहनी यादगार है मेरे को उन्हें कहा कि आंदा सी तीन चार जने नौजवान उदों सिरों मोने होंगे सी मैं भी मोना सी सिरों मैं सिर पर पग नहीं सी बांधा असी सिख आटो वाला कर रहा आटो चलाने वाला सिख से असी होटल किसी ने जाना सी तो असी सारे रस्ते च ना सिखा के मजाक सिखा के जोग सुनाते रहे सिखा के चुटकले सुनाते रहे वो इन्ना धीरज वाला सी इन्ना सबर वाला सी सुनता गया उन्हें कोई हील हुज्जत नहीं की मजाक करते गए सी करते गए जदों साडा होटल आ गया सी उतरना सी असी उहदा किराया दिता जदों असी उहनूं किराया देण लगे तो उहने सानूं आवाज़ मारी भी इधर आओ भी तुसां तिन्नां जाणियां ने सिखां दे जोग सुनाए सिखां दा मजाक उड़ाया मैं कुछ नहीं बोलिया बल्कि मैं भी एक सिख हाँ मैं बिल्कुल नहीं गुस्सा मनाया पर आ एक सिक्का लै जाओ उस सिख दे ठूठे च पा दिओ जिहड़ा पग बन के साबत सूरत खंडे बाटे की पौ लई होवे अमृतधारी हो गुरु ग्रंथ साहब में मानता हो दर दर से भीख मंगता होूठे चा सिक्का पा दौ पति पत्नी कहता भागा वालीए मैं क्लीन शेप तो
साबुत सूरत हो के सिर ते पग बन ली, पर अज तक मैनू कोई सिख साबुत सूरत भीख मंगदा नजर नहीं आया। वेख ला आ सिक्का, उस सिख की याद है भी मैं दूजिया सारे मंगते वेख्या, मैं सिख न मंगते नहीं वेख्या। हुण अज मारो ध्यान, अज मार लो ध्यान जी, तुहानू सिक्खी शुरू में मंगते नजर भी आउणगे। सिक्खी खास करके पंजाब के बाहरले जिहड़े सूबे ने ना, पंजाब तो बाहर उन्होंने सूबे में तो कई साबुत सूरत निहंग वाला बाणा पा के ऐ बाहरले दरवाजे के लागे जाके बह जाना, अंदरों बाहर निकलना तो कहना जी कुछ ना कुछ दे दो सानू जाण लगे। हद हो गई, कभी निहंग घर जाण वरदा सी तो लोग दरवाजे खोल दिंदे सी भी साडी भड़ोली चार किलो आटा पिया, तो तेरी बदौलती ते पिया। तो अज माफ करना, साडा किरदार इन्ना नीवा हो गया सानू दरवाजे बंद करने पैंदे भी कि न्याणे ना चुके लै जाण साडे। अज ये किरदार है साडा भी कहते सारे न्याणे जवाब वेच के भंग ना पी लेंगे। हुण अज साडा असल साडा किरदार कित्थे चला गया? जदों लच्चर गीत सुणांगे लच्चर गायकी सुणांगे साडा किरदार ते अपने आप ही नीवा होणा। हुण जिहड़ी गल भाई कान सिंह नाभा जी ने कही है, घर के कमाई खावै मंगणा हराम जाणै, भाणे विच विपता नूं मन्नै खुशहाली है, वड्डे तो वड्डी विपता आण पवे सिरे मत्थे प्रवान कर लवे उसनूं विपता दा समझे, वो कष्ट आण पवे जीवन ते सिरे खिड़ खिड़े मत्थे उस गल नूं प्रवान कर लवे। सवार तीजी गल कही, सवार तो बिना गुरुद्वारिआं दा चौकीदार सिख कौन है जी भला? जिहड़ा सवारस तो बिना गुरुद्वारिआं दा चौकीदार प्रचारक रागी ढाडी प्रधान सैकटरी खजानची प्रबंधक कमेटियां सारे असी गुरु ग्रंथ साहब जी दे घर दे की हां भला जी? उची बोल के दसो की है जी भला? ते अज चौकीदार थोड़ा अज ते मालक बन के बैठे। अज तक गुरु ग्रंथ साहब क्या आता, महाराज जी तुसी नहीं बोलना, मैं गुरुद्वारे का सैकटरी मैं गुरुद्वारे का प्रधान, शराब बारे गुरु ग्रंथ साहब जी एक शब्द तुहाडा बार नहीं होना चाहिए। अज ना सानू रागी पसंद, ना सानू प्रचारक पसंद, जो शराब बारे बोले, जो श्राधा बारे बोले, जो मड़िया बारे बोले, जो कबर बारे बोले, माफ करना। अज तक गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान असी रुमालिया थले नप दिता। भाई कान सिंह नाभा जी कहते हैं, सवार तो बिना गुरुद्वारिआं दा चौकीदार, सवार तो बिना सिख गुरुद्वारिआं दा चौकीदार है। धर्म ते जंगली चढ़े मुख लाली है, किते धर्म ते जंग दी किते नूं लोड़ पै जाए इहदे चेहरे ते लालियां पखण, इह मौका लभे। अखीर विच पता की कहा, पूजे ना अकाल बिन होर कोई देवी देव, पूजे ना अकाल बिन, पीछे पीछे बोलो मेरे, पूजे ना अकाल बिन होर कोई देवी देव। कौन है भला? सिख दशमेश दा कहिए अकाली है। हुण मर एक पिंड विच मैं कथा की थी, तो पिंड में कुछ होने नहीं कहते लै इन्हों इन्होंने अकालिया बारे एक बेत सुना था। मैं कहा कांग्रसियों बारे लिखा था, मैं भी सुना देना भी मैं कहता कांग्रेस के को रोटी लैके खाना ना भागा बारे। आ जो जथेबंदी थोड़े सामने बैठी है ना, साड़ी कोई कोई सरकार नहीं, साड़ी ना साड़ी कोई पार्टी है ना, असं कहते नहीं फलाना तड़ा चंगा तो फलाना माड़ा, साडा इको तड़ा सारे को धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। साडी ओ सरकार है जिहड़ी चार पांच साल बाद नहीं बदलदी, ओ सरकार है जिहड़ी भगत रविदास जी ने कही सी, कायम दायम सदा पातशाही दो मन सेम एक सिउआही। काश किते सानू भी गुरु ग्रंथ साहिब तड़ा बनाउणा आ जाए, आ निजी धड़िआं तो उपर उठ जाइए, निजी धड़िआं तो उपर उठ। एक लिखिया, पूजे ना अकाल बिन होर कोई देवी देव, सिख दशमेश दा सो कहिए अकाली है। अच्छा सिख कौन है जी? जिहड़ा एक अकाल पुरख तो बिना एक गुरु तो बिना किसी होर जगह ते मथा क्यों जी अज टेके जा रहे हैं ना? बोल के दसो जी, अज टेक रहे हैं ना। हुण एक पंजाब का पिंड होवे ते सारे सिख वास्ते आउण ते उत्थे कवर होवे, उत्थे कोई देवी देवते दी पूजा करे ते की कहांगे जी इह सिखां दा पिंड है? की कहांगे सासन, की कहांगे सिखां दा पिंड है? भी अज अपने आप नूं सिख भी अखवा रहे हां ते देवी देवतिआं दी पूजा कर रहे हैं। हुण कितनी प्यारी गल गुरु अर्जन साहिब ने जिहड़ी कही सी, हम बारक पिता प्रभ दाता, असी तुहाडे बच्चे
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੂਲੇ ਬਾਰਕ ਅਨਕ ਲਖ ਬਰੀਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅਨਠੌਰ ਨਹੀਂ ਜੈ ਜਾਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੇ ਕੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨਾ, ਤਿਸ ਬਾਪ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ, ਆਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਐਸੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਜਿਨਹੋਂ ਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ? ਭਗਤ। ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਜਿਨਹੋਂ ਜਾਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਬਲਿਹਾਰ? ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਚੁਕਾਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਚੁਕਾਇਆ, ਪੰਚ ਮਾਰ ਭਾਵਾਂ ਤਲ ਦੀਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਜਿਨਹੋਂ ਜਾਇਆ, ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਚੁਕਾਇਆ, ਪੰਚ ਮਾਰ ਪਾਵਾਂ ਤਲ ਦੀਨੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਭੀਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਪਿਆ। ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੋ ਵੱਡ ਗੁਸਾਈ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਤਿਸ ਪਿਤਾ ਪੈ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੋ ਵੱਡ ਗੁਸਾਈ, ਤਿਸ ਪਿਤਾ ਪੈ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈ। ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਪਿਤਾ ਤੱਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ? ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀ ਜੀ ਭਲਾ? ਹਾਂ ਪੂਤ ਤੇਰਾ, ਹਾਂ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਹਾਂ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਏਕੇ ਠਾਹਰ ਇੱਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁਹਾਂ ਬਸੇਰਾ ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣਾ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ। ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ। ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਹਉ ਪੂਤ ਤੇਰਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਤੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,
सलाम जवाब दो मैं करे मुंडो कुथा जाए नानक दो मैं पूड़ियां पढ़ो हरी थाए नकाई पाए सलाम की गुरु ग्रंथ साहब सिर दारमी लिया मत्था टेकिया जो जाके मड़ी तो दीवा जगाता जवाब देता लो बापू तेरी होना आप गल जे भला बच्चा बापू दे अगे सवेरे उठ के सिर च घर पैरी हाथ लावे तो बापू की गल ना मने तो बापू कहूगा भी मैं घर रही ना कहदे वास्ते भी रोटी कपड़ा दे जाते हो मर्जी सारी तुसी अपनी करदे हो भी मैं कहदे वास्ते घर बैठा थोड़ी बहुत मेरी सलाह भी घर में लो बापू भी घर में अक जाता जे बापू का भी कोई सलाह मशवरा घर च ना लवे तो आप सारे गुरु ग्रंथ साहब हुण बेनती सुनना ध्यान भला आप अपने पुत्र के आनंद कार्ज वे महाराज का स्वरूप घर लैके जाने यद अर्थ की है पता किसी भी असं अपने पुत्र का आनंद कार्ज गुरु ग्रंथ साहब की अगवाई दे हेठ कर सकी गुरु ग्रंथ साहब साढ़े आनंद कार्ज की अगवाई कर पर आप अगवाई कराने छे पाठी साढ़े घर आए उन्हों की सब्जी घ्यो पा पा के रोटियां चौपड़ चौपड़ के सलाद न लिया रहते कई कई प्रकार के बनाए सारा टब्बर सेवा करता फिर चाह अगरबत्ती आओ नुकर जी दो लाइया आओ नुकर ना अद्धा तो धुआं पाठिया के अंदर धक धुक दिता ला के लिया गए फिर लाचियां लिया के रख दतिया कर करा के सारा कुछ किया भजना ससी बड़ी की सरूप अजय महाराज का गुरुद्वारे नहीं गया फिर जो अरदास की ना भाई साहब ने गल से झूठिया पा के महाराज परसों रोज तो धुरकी बाणी आई तेना सगली चिंत मिटाई दे मां वाक अनुसार गुरमुख परिवार ने अपने बच्चे के आनंद कार्ज के संबंध में आप जी का ओट आसरा लिया इन्होंने रिंदियां कार्जा तुम संपूर्णता बख्शिश करो बल बख्शिश करो सरूप के गुरुद्वारे नहीं जाना उस जग जे जग में सरूप के अगे पानी कराते जाने ना इदा ऐ छिट्टा देना जाने वह जग मुड़ के लिया गए वो शराब पाई होती वह पानी बरता गए उत्थे तुरे फिरते हैं चंदोआ दबदा भाई बेचारा ला के अपने दबदा गुरद्वारे लैके जाता कितने गया जी ये गुरमुख परिवार को खंभ कितने ला गए हम जी जिहड़ा दादा ऐ चौर दोहरा हो करता सी ना दोहरा हो गया और पिंडां च सिर पिया ही होगा बुरा हाल हो साढ़े आनंद कार्ज आए साडा प्रभाव पर यह रहनमई असं गुरु ग्रंथ साहब को करवा रहे की थुड़िया देखो जी मैं ठोक के गल कह रहा गुरु की गोद में की थुड़िया यहोजे पाठ करवा ना कराया जाए पाठ जो एक बन्ने गल लग गई महाराज सानू तेरी जरूरत नहीं सीधा कह दस भी सानू तेरी जरूरत नहीं महाराज साड़ा तेरे बिना सरदा है कह के तो देखो एक बार पर नहीं किया जाना साढ़े को असं दोगला रूप लगा रहे हैं महाराज के कोल भी जाने मड़ी कोल भी चले जाने प्यारे वापस परताओ अब दो बचन सुनियो बेरुख हो राम ते लगा ना जन्म वजोगा खिन में कौड़े हो गए जितने माया भोग सारे जड़े ने वो बेरसी में बदल जाते हैं जे अपने सच नालों अपने मालक नालों नाता तोड़ दिता जाए किनू नहीं पता जी जो भाई बोल रहा है कि परिवार गुरमुख है किसी ने भाई को कहा ना बोल साडे बारे गुरमुख अभी तो तेन नहीं पता भाई हो सकता तेन ना पता हो कहता शहर चो शराब दी पेटियां मंगाइया ने तू एवं साडे बारे गुरमुख बोली जाना कभी किसी ने भाई को बोलने लग्या रोकिया सगो भाई जी बोल रहा होंगे ना वो ऐ दोवें हथा के विचकार सौदा लोट दे रहा भी थोड़ा जा होर कह तगड़ा हो चुका है होर थोड़ा जा उदो रोक दो भी ना इन्ना बोल साढ़े बारे विचोले तो असी लिस्ट दे के तोरे कुछ गल् रह गए विचोले फिर असी क्या कई तो कापी पेन लैके ना विचोले लिखाते हैं फुफड़ मुंदरी पैनी चाहिए मामे पैनी चाहिए नाना वैसे जूदा लै आवे गड्डी उन्होंने भी पैनी चाहिए दादे भी पैनी चाहिए इंडिया मिलनिया कंबलों ना होनी चाहिए वेख ला भी सस ने पहला दो पुत्रां दा विआह किया उधर चूड़िया ने पईआं वेख ला तेरी गल मनी चूड़ी सस नूं जरूर पैनी चाहिए ऐनकां उहदियां गलास दे थले वर्गियां माता दियां चूड़ी उहनूं जरूर चाहिए है गुरद्वारे आउण लग्गिआ मौत पैंदी है मड़ी ते जाण लग्गिआ सारा जोर माता दे जीवन च आ जांदा है
पीर की कबर से जरूर जाना है, सोने की चूड़ी जरूर चाहिए है, तो जी नो सोने की चूड़ी तो लै आती है ना, बाद पता भी होंगे सेवा तो कर ली नहीं उन्हें, क्योंकि उन्होंने भी पता भी एडा लालची टप्पर भी एड्डी लंबी लिस्ट पहले पेके से कर दी है, एड्डी लंबी लिस्ट साढ़े पहले पहुँचा दी है, अंदाजा ला वो धी भला कभी सहुरे परिवार का सत्कार कर पाएगी। तुम धियां वाले बैठे हो तो पता लग जाए कि आ जरा परिवार है लालची है, सस लालची है, सहुरा लालची है, पति साड़ा जवाई लालची है, ननाना लालची ने, तुम दसो भी थोड़ा कभी अंदरूनी प्यार बन बन पाएगा उस प्यार में। मैं थोड़े सामने एक शब्द रखने लगा फरीदा का लव अगे की जी भला तो नहीं क्या जिथे लोभ है उत्थे प्यार कादा, जिथे लालच उत्थे प्यार कादा, लव तो कूड़ा ने जे लोभ है तो प्यार झूठा, जे लोभ है तो प्यार झूठा। दसो भला वह धी कभी अपने पति नूं अंदरूनी तौर पर पति स्वीकार कर पाएगी, जिन्हों यह पता कि मेरे पति की निगाह मेरे पेके परिवार की जायदाद पर है, कभी कभी वह पति ब्रंदा कभी पत्नी बन पाएगी जिदा जिदी जिदी कल्पना गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में की है, धन पिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोड़ दो मूर्ति धन पिर कहीं है, कितने ने पत्नी ने यह कहना भागा वाली है तू पेकिया तो कोई चीज ना लैके आया कर, हर चीज मैं तेन इस घर में आप बना के देवगा, उन्होंने पता होगा मेरा पति मेरा सत्कार करता, मेरे पिता को अपने पिता समान समझदा, मेरी माँ को अपनी माँ के समान समझदा, मेरे भरावों को अपने भरा के समान समझदा, उत्थे ते प्यार बन पाएगा। जिथे लालची अज हवश दे मारे हुए लाज दे परे हुए टब्बरों के टब्बर कई तो रिश्ते तोड़ लेंगे ने, कई तो ऐन मौके पर आके ना रिश्ते रिश्ते का जवाब दे दिता जाता मौके पर आके, हुण अंदाजा लाओ साडी हालत की बन चुकी है। पिछले दिन वैसे घटना वापरी सी, पुत्र का आनंद कार्ज करा लिया तो मरुति कार मंग के लै ली, हुण जिन्ने के ऐसे से उस हिसाब नाल उन्होंने मरुति कार मंग के लै ली, पर माँ की जाने बुला भी ये हुण खांदी की जिहड़ा हाथी बदा वो पहली बार पुत अपने सहुरे चलिया, माँ ने 500 का नोट दिता भी लै पोता 500 रुपया नाले गड्डी च तेल पवा ली, नाले अपने सहुरे थोड़ा बहुत फ्रूट लै गई, जदों जाके पंप तो तेल पवाया तो अपने वालों तो उन्हें तेल पाना सी 200 का तेल पा दे ते बाकी 300 रुपया वापस कर दे, आप अगे जाके फ्रूट भी लैके जाना परिवार वास्ते, हुण आप तो गड्डी उत्थे ला के पेशाब कर चल गया, तो पत्नी को पुछया पंप वाले ने किन्ना तेल पवा, वह बीबी राणी ने कहता भी फुल कर दे, तेल की टैंकी फुल हो 1800 का पेट्रोल पिया, जो आने के उन्हें 500 फड़ाया वह आता जी 300 वापस करो, कहिंदा नहीं जी 1300 होर दो बजे, कहिंदा कादा, कहिंदा जी गड्डी च तेल 1800 का पिया, कहिंदा मैं तो 200 का पाउणा सी, तेनू कहिंदे क्या इन्ना पा, कहिंदा वह जिहड़ी विच बैठी बीबी उहने कहा, उत्थे ही पेट्रोल पंप ते खिचो टाण होण लग पई, तेनू तेनू कहिंदे क्या, कहिंदी हद हो गई हुण, वह बीबी पिछों जिहड़ी जिस परिवार चों आई सी उस परिवार कोल गड्डी भी हैगी सी, उस परिवार को पता भी सी लड़की पढ़ी लिखी सी, वह कहती भी मेरे पेके अपने इस घर तो 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर जाण 90 किलोमीटर आन, फिर आप मामे को भी जाना भूआ को भी जाना, यह जिन्ना तेल पिया ना इन्ना एक बार होर पो तो फिर वापस गड्डी मुड़नी अगे, हम लड़का पता की कहता, कहता माँ ने तो 500 ही दिता, वह आँधी भी जे हाथियों नाल यारियां पाईए तो घर के दरवाजे बोल के दसो जी खुले रखने पैंदे, हुण जे कमाई करके लई होगी ना फिर पता होना भी इहदी इहदी सर्विस दे पैसे भी लगने, इहदी इंश्योरेंस भी साल बाद इन्नी होनी, तो जिन्हें मंगे दाज लिया कई तो एडे ढीठ होंगे फ्रिज नहीं लियांदे, हुण तां सुख नाल लै आउंदियां सारिआं ने, आ थोड़ा कु 4 साल पहला फ्रिज नहीं लियांदी, पुछो क्यों, कहिंदे मुंडा नहीं आया अजे, मुंडा नहीं आया, मुड़ के कहिंदे लै 2 हो जाणियां इक विच नहीं पैणी, मुड़ के 2 हो जाणियां इक विच नहीं पैणी। हुण जिहड़े परिवार यह सोच के बैठे कित्थों सुख मिलेगा जी सानूं, तुसीं वेखिआ जदों सगन लाउण वाले आउंदे ने इधरों तो खंड पाठ की तैयारी हो रही होंगी है ना, तो लड़के वाले मूँह चुके वेख रहे थे, चोले वाले पूछ रहे थे कि दूर है ये साढ़े जीनू को मोटरसाइकिल वेखन, साढ़े तो ढिड पीड़ होने रात का 2-3 बार चूर खा चुके हैं, पेट गैस हो पी है, दबदब खा सू कि लिया होना कि रंग का अंदर पॉट हो रहा, अलग ही बेचारे संघ सो गए शब्द पढ़ रहे हैं,
अकड़े मकड़े करते हैं टशन करते आते हैं। जो चार दिन बाद चबाड़े भजे होंगे ना सारे टब्बर ने चबाड़े भजदार समझ लड़ाइया पे खराबियां हुई अदालत गए धक्के खाते फिर गड्डिया से समान चुके वापस लिया फिर दावे करते इन्ने लख का समान दिता से यह सब उपद्रव पता क्यों हो रहा। असी सतगुरु की विचार नज टुट चुके हाँ अपने पुत्रां वाले अपने आप पुत्रां की सुरत में गल पा दो कि बचियो तो आनंद कार्ज उदन करना है जितन हर चीज़ अपने घर मुहैया कर लोगे। धियां के पे पेकिया वाल ना वेखो ता कि किसी बाप को अपनी धी का गला घुट के मारना पवे। अज जिस जिसकी धी जवान हो रही है पांच पांच छे छे सात सात लाख रुपया अज आनंद कार्जा से खर्चा किया जा रहा कारण एक दूजे वाल वेख वेख के एक दूजे वाल वेख वेख के जिहड़ी गल गुरु अज थां थां ते मत्थे टेक के थां थां ते परिक्रमा करके असी मानसिक तौर पर हौले हो चुके हैं। जिहड़ी गल बाबे कबीर ने कही है परमात्मा जी तुसी साडे बाप हो असी तुहाडे बच्चे हाँ अज असी दोवें एक घर विच परमात्मा सच है जे साडे हिरदे च वी सच वसेगा फिर की होएगा सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखै नदर निहार। जिहड़ी गल गुरु अर्जन साहब जी ने कही खीर आधार खीर कहते ने दुध न आधार कहते आसरे घर में मेहमान आए हो माँ को पता हो अच्छ साढ़े घर दुपहरे बारह बजे मेहमाना ने आना उन्होंने वास्ते रोटी बनानी है तो घर में चार बीबिया तीन बीबिया रल के दो बीबिया रल के प्रशादा तैयार कर दी रसोई घर में चौल बनते हैं कि समान बनता है मिठे पकवान तैयार होंगे ने भला दसो बच्चे उन्होंने पदार्थों का कोई मतलब है बच्चे का आसरा तो दुध ही है बच्चे उस ओड़े घर में बने पदार्थ उन्होंने कोई मतलब नहीं बच्चा कौन है सिख ते मां कौन है गुरु दुध की है गुरु का दिता हुआ ज्ञान बाकी पकवान की है भला भावें को पीर खाने ते देख दे जाए सिख रूपी बच्चा तेन कोई मतलब नहीं होना चाहिए कोई वीरवार उत्थे देख देवे कोई उत्थे चढ़ावा चढ़ावे कोई उत्थे प्रसाद कवे फलाने दे आ जा तेरी तेरा आसरा तेरा आधार केवल ते केवल गुरु का ज्ञान होना चाहिए। खीर आधार बालक जप होता बिन खीरे रहन ना जाई बिना खीर तो रह नहीं सकता सार संभाल जो बच्चा रोंदा माँ उहदी संभाल करदी सार संभाल माता मुख नीर है माता उहदे मुख विच नीर दा अर्थ है थण पाव दुध पाउंदी है तब वह त्रिपत अघाई बच्चा त्रिपत होकर फिर सौ जाता माँ की गोद में बच्चा कौन है सिख गुरु माँ है जिहड़ा सिख नूं ज्ञान का दुध दिंदा है कि सिखा तेरी आत्मा त्रिपत हो सके। चंचल मत बारक बपुरे की पर बच्चा चंचल है सर्प अगन कर मेले तुसी कभी बच्चे ने वेखे असली सप भी घर आ जाए ना असली सप वेड़े च भजा फिरे सारा टब्बर मंजिया ते चढ़ जू बच्चा सप वाल नूं जाऊ पता क्यों क्योंकि उन्हें सोचना इदां दे सप ते कई बार दुकान तो बापू लिया के दिता हो सकता उदा का सप ही हो आत्मा वेख के बच्चा अग में भी हाथ पा पाँगा सप के भी सप में भी हाथ ला पा बाकी डरते हैं पर बच्चे पता नहीं बेचारे ये सिख रूपी बच्चा सप ते अग की है विषय विकार इन्हों खेड रहा है पर गुरु मां को पता है खेडना इन्हें तेरे डंग मार देना है अखाड़े आ लचल गीत आ शराबा आ समयकां ये सप ने जिन्हें तेन डंग मार देना है अग है जे च लूस जाएगा तेरी चमड़ी तबाह हो जाएगी गुरु तेन ये कढ़ के आनंद देना चाहता है। चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अगन कर मेलै माता पिता कंठ लाए रखे माँ बाप कंठ ला के रख दे आनंद सहज तब खेल बच्चे कहते हैं लै साडी निगरानी च खेल ये खेडा तेन मुबारक ने गुरु रूपी माँ कहती है मेरी निगरानी च आनंद कार्ज करा खेडा मना कर तेन कौन मना करता पर जो तू मेरी गोद चो निकल के लच्चर गीत रूपी सप्पा हाथ जा पाना जो शराबा दे जाके जाना ये अग है जिसे तेरा टब्बर साड़ के सवाह हो जाएगा तेरिया खुशियां कोले हो जाएगी। बच्चा बाप भी तो कटाता ही है बच्चे को
किन्ना प्यार करता, किन्निया खेडा खड़ा। गुरु भी कहता मेरी निगरानी च अपना बच्चे का आनंद कार्ज करके लेकिन जीवन खूबसूरत बन जाएगा। चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अदन कर मेले, माता पिता कंठ लाए रखे आनंद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, जिदा पिता तुसी आप बन जाओ, तिस बालक भूख कैसी। उस बच्चे की भुख रही नहीं, उन्हें पासे जाने की। जेड़े भी अज कबर से जाते ने माफ करना भुखे ने गुरु की बाणी मुताबक। जेड़ा रज गया बच्चा उन्हें कहना गुरु मैनू हुण तेनू छड़ के पासे जाने की लोड़ ही नहीं, मैं तो तृप्त हो गया। बच्चा माँ के दुध ना रज जाए ना उनके सामने, भावे बाल्टी दुध ही भरी हो, दुध वाल वेहदा भी नहीं, कुछ सीसी लिया के दुध ही सामने रख दे। कहते इस दुध को की करना, मैनू मेरे माता के दुध ने तृप्ति दे दी है, मैं तृप्त हो गया हाँ। सिख रूपी बच्चा जो गुरु के ज्ञान तृप्त हो जाए वो किसी मड़ी कबर से किसी बाबे को नहीं जाएगा। जेडे जाते ने, मैं नहीं कह रहा, गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं अजे भुखे ने, अजे गुरु ज्ञान रूपी दुध उन्होंने पीता नहीं। चंचल मत बालक बपुरे की सर्प अगन कर मेले, माता पिता कंठ लाए रखे आनंद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, जिदा पिता तुसी आप बन जाओ, तिस बालक भूख कैसी। उस बच्चे नूं कादी भूख जी, जिदा पिता गुरु ग्रंथ साहिब जी बन जा, रब बन जाए। नाम निध नौ निधिया, नाम निदान ग्रह तेरे मन बाछे सो रैसी। जो कुछ भी तू मुंह मंगेगा तू बच्चा दे बन के वेख, गुरु तेरी हर मनोकामना पूरी करेगा, गुरु तेरे अंदर तृप्त कर देगा। पिता कृपाल आग्या ए दीनी, पिता अकाल पुरख ने आग्या दी की भला। बारक मुख मांगे सो देना, बच्चा जो मुंह मंगू उन्हें देना, क्योंकि बच्चा आग्ञाकारी है, बच्चा आग्ञाकारी, जो मुंह मंगेगा उन्हें मिलेगा। पिता कृपाल साधी औलाद पता की है, बच्चा नलायक हो गया, ध्यान ना सुने हुआ। जे बच्चा भला नशे करता हो, माँ बाप की गल ना मानता हो, माँ बाप के कोलों पैसे मंगे, माँ बाप को चंगा लगता भला, क्यों सत्संग दस्यो भला। तो गुरु ग्रंथ साहब के कोल पता की करते हैं, वीरवार दीवा जगा के फलाने बाबे के पैरों से मत्था टेक के फिर गुरु ग्रंथ साहब कहते महाराज साड़ी सुनता नहीं। महाराज कहते थोड़ा नलायक पुत है, समझना पीता थां थां जाता, तुहाडे कोल पैसे मंगता, तुहानू चंगा लगता, वह थां थां ते मत्थे टेकन वाले आ बिशर्मा, फिर मेरे को आ के चीज़ा मंगी जाना, तू मेरा तो हुंदा ही नहीं, तू मेरा तो हो, तेन मैं मंगन की लोड़ रहने नहीं देनी, तू मेरा हो गया वे, सब कुछ तेरा ही है, तू एक बार मेरा बन के ना देख, तू मेरा तो बने ही नहीं अजे तक। पिता कृपाल आ गया ए दीनी, बालक मुख मांगे सो देना। नानक बालक, नानक भी तो तेरे दर का बच्चा है। नानक बालक दर्श प्रभ चाहे, मोहे हृदय बसें नित चरना। नानक बालक नूं तां तेरे दर दे दर्शन चाहिए, होर कुछ भी नहीं चाहिए। आओ साध संगत, हुण मैं फिर गल दुबारा पुछण लगा, शब्द किहड़े गुरु दा जी, राग किहड़ा साध संगत, अंक किन्ना सी पता, 1200, शाबाश। ये है कुछ गल्लां याद करन वालियां, गुरुद्वारे आओ, हुक्मनामा याद रहे, वो सानू अर्थ याद रहन, घर सानू को जाके पूछे साड़ी आदत पता की होंगी है, उत्थे लागियां ने शब्द पढ़िया, को कथा हुई, ये तो याद नहीं। जाग घर के उन्होंने ना पनीर अज कच्चा सी, रोटियां एक बने ना कच्चिया सी, उन्होंने आह चीज़ माड़ी। असी तो इन चीज़ों का घर जाके ना लेने, कोई टावा है जिहड़ा शब्द गुरु की गल, असी आनंदपुर साहब जाइए तो पिंड आज पता कि लै तू फलाने लंगर च नहीं गया, ला 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 उत्थे दे बाबियां ने इन्ना लंगर लाया, बुले 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 जलेबियां खा खा के, कमाल दे लंगर, हजूर साहब गया उत्थे इन्नी मठियाई खा खा के तो पहले ही बीमार होए पए हैं। थोड़ा जिहा गुरमत्ता ज्ञान भी प्राप्त कर लईए, लंगर तो पहले ही बड़े खा ले, पकवान तो असीं पहले ही बड़े खा ले ने, बीमारियां तो पहले ही बड़ियां लवा लईआं, थोड़ा जिहा ज्ञान का भोजन छकना शुरू कर लईए। बेनती है जे किसी की सुरत कबर बारे सवाल होवे ना,
नाल लैके ना जाए। ये तो मैं पक्का पता भी थोड़े बच्चे वो रूहां तो पक्या बैठिया ने जिहड़ियां सुखना दीवा भी जगा के आईया हो जिन्होंने खुशदा कई काली काली भज आए हो जाके फिर कहने भी नहीं बाबा जी दीवा तो जगाने जगाना हूँ अंदर प्रण करके जाओ ये अंदर ही अंदर हाथ से सानू खड़े कराने की आदत नहीं है जथे सारे भी थोड़े को प्राण कराइए अंदर ही अंदर एक प्राण करो जे लगता तो मानते हो ना भी गुरु ग्रंथ साहब वर्गा गुरु होर कोई नहीं है दुनिया से मानते सासू भैनों तुम दसो भला भीरो तुम्हें नहीं बोलना भैनों मानते जे भी गुरु ग्रंथ साहब सब तो उच्ची है उच्ची बोल के दसो भैनों पढ़ो मेरे पिछे पिछे भैनों तुम पढ़ना सब गुर जैसा ना ही को देव गुर जैसा गुरु वर्गा होर को है ही नहीं फिर जावे गुरु छद के पास भैनों क्यों माता हो जावे पता कि भैन बोल दिया जो पहले नहीं जाएं जो जाए कहीं अच्छा खुल के कहो हाँ भी नहीं जाना सीधा तो नहीं जाना मैं नहीं जाता सानू को पीर रस्ता रोक के विखा असं रोज तुरे फिरते हैं कभी कितने जाने कभी कितने जाने पीर के लाग नहीं लगा असं जो जाने ना सारा जता तो कई बार आड़े सड़कों के बंडिया कंडिया के बड़िया होंगे कबर असं लागू नहीं लंघते हैं वो साढ़े अड़े भी ये मत्था टेकते ही नहीं असी नहीं टेकते सत्संग असं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब अगर मत्था टेकते हैं पीर बारे रोज बोलते हैं एक प्रा जो थोड़े ने अगर समागम रखे ना जिन्हें तुम बैठे हो तो वास्ता है गुरु नानक साहब की सिक्खी का जी ये भी जाके बड़ी तो दीवा जगा फिर मत्था टेकना है माफ करना मैं गुरु का घर का कुकर आते रहते कर गया सानू कभी खुशी नहीं मिल सकती असं गुरु ग्रंथ साहब के वफादार पुत्र कभी नहीं अखवा सकते कहानी नहीं है भी मैं तुहाडे सामने कोई कहानी सुना दी है अपने अंदर एक विश्वास रखो तो जे तुहाडे अंदर सवाल हो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कबर बारे कुछ कहती है प्रमाण मैं पढ़ दिना भी दुबधा ना पढ़ो हर दिन होर ना पूछो मरे मसान ना जाई दुबधा के पिया हो बंदा मड़िया कबर सियाणिया बाबिया के पैरों पर मत्था टिकता है अज कढ़ दे दुबधा ते एक दे उपाशक हो जाओ एक दे पुजारी बन जाओ अखीर ते आतुकां पढ़ो ते जिन्हां दे कोल सवाल होवे भाई गुरजन सिंह रूपोवाल नूं लिखा दिओ उन्हां सवालों के जवाब भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह ददेर संगतां नाल सांझे करांगे अखीर ते आतुकां पढ़ लईए इको ही है जी सारे पढ़ो इको एको है भाई एको है भाई एको है साहेब मेरा एको है साहेब मेरा एको है दत्ता दाता एक है दत्ता दाता एक है सब का देवन हार सबको देवन हार सबको देवन हार सबको देवन हार सबको देवन हार एको है भाई एको है एको है भाई एको है साहेब मेरा एको है साहेब मेरा एको है इक्का बाणी एक गुर इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार इक्को शब्द विचार आओ पाशा की कृपा करन कोटान कोट शुकराना है अकाल पुरख के चरणों में जिन्हां की गोद में जुड़ के आप बैठे हाँ आओ हुण जिन्हां के मन में कोई सवाल होवे भाई गुरजन सिंह जी रूप वाले उस सवाल को लिखा दिओ
उन्होंने जवाब भाई सुखविंदर सिंह जंदेर संगतान साझे करे। दीवान का समा भावें 10 बजे तक है, पर जे थोड़े सवाल आते रहे तो एकाग्रता बैठे रहो, 10-15 मिनट होर भी वाधू लग जाए, क्योंकि इदा के समागम रोज़ पिंड ना तो किए जाते हैं, ना तुम रोज़ आ जुड़ के बैठ सकते हो। आस है बेनती प्रवान करोगे इस एकाग्रता के न बैठे रहना। फतेह बुलाओ गज के आखो जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।